जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर गरीब को मकान से लेकर हर वो सुविधा मुहैया करा रहे हैं, पर शायद अधिकारी मामा की योजनाओं को खोखले करते दिख रहे हैं। ऐसा ही नया मामला शहडोल जिले के तहसील बुढ़ार के ग्राम हाथी टोल से सामने आया है, जहां पर गरीबी की मार झेल रहे एक वर्मा परिवार, जहां पति पत्नी दोनों विकलांग है, प्रशासन की योजनाओं का लाभ पाने के लिए कलेक्ट्रेट से लेकर तहसील तक के दर दर की ठोकरे खाते दिख रहे हैं, पर जिला प्रशासन आज भी मौन बनी हुई है। वही राजेश वर्मा की कहानी सुनकर किसी का भी दिल सहम जाए, एक ऐसी ही कहानी आज प्रशासन के सामने न्यूज चैनल के माध्यम से पहुंचाई जा रही है, जहां राजेश वर्मा ने मीडिया को बताया कि मैं बचपन से ही दोनों पैरों से विकलांग हूं व मेरी पत्नी भी एक हाथ से विकलांग है। मैं शासन प्रशासन के दरवाजे आज 10 वर्षों से शासन की योजना पाने के लिए खटखटा रहा हूँ, पर गरीबी को कौन सुनता है, और मैं शासन से विकलांगों को मिलने वाली ट्राई स्कूटी के लिए कलेक्ट्रेट से लेकर तहसील तक कई बार आवेदन किया है, पर आज तक मुझे शासन का यह लाभ नहीं मिल पाया। राजेश वर्मा ने मीडिया से यह भी बताया कि मेरी पत्नी एक हाथ से अपाहिज है, जिसकी पेंशन के लिए भी मैं कई बार तहसील बुढ़ार के चक्कर लगा रहा हूं, पर आज तक मेरी पत्नी को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया। आखिरकार यह कैसी सरकार है, जहां योजनाएं तो बहुत है पर गरीबों के लिए नहीं, तो आखिरकार यह योजना किसके लिए बनाई गई है, इन योजनाओं का लाभ किसको मिलना चाहिए, यह प्रशासन के सामने बड़ा सवाल उठता है। विकलांग राजेश वर्मा ने यह भी बताया कि मैं पढ़ा लिखा हूं व कलाकार भी हूं, मेरे पास कोई रोजगार नहीं, लोन के लिए दर दर की ठोकरें खाई, पर आज तक किसी भी बैंक ने मेरी मदद नहीं की, आखिरकार शासन की योजनाएं खोखली हैं। राजेश वर्मा का परिवार और आज गरीबी की मार झेल रहा है, आखिरकार राजेश वर्मा के परिवार को शासन की योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह एक बड़ा सवाल उठता है। अगर जिला प्रशासन ने इन गरीबों की मदद नहीं की तो इन गरीबों का भाजपा सरकार पर से विश्वास उठ जाएगा। आखिरकार मामा के राज में गरीबों को दर दर भटकना पड़ रहा है, पर स्थानीय विधायक गरीबों के आवेदनों को नज़रअंदाज कर देते हैं। राजेश वर्मा कहाँ के निवासी हैं? हाथी डोल वार्ड नंबर 1 धनपुरी नगर पालिका। अच्छी समस्या भी लेकर आप आए हैं? मैं यहाँ पे पेंशन के लिए आवेदन लगाने आया था, अभी तो बोले कि लोक सेवा केंद्र अभी बंद है शनिवार के चलते, सोमवार को हो जाएगा आपका काम। और सबसे बड़ी समस्या मेरे को साधन का है सर, मैं 10 साल से परेशान हूँ बिना साधन का, बैसाखी से चलते चलते हाथ में छाला हो गया है, मेरे घर के लोग भी बीमार पड़ जाएँ अचानक तो कोई व्यवस्था नहीं। मैं विधायक जी से भी आवेदन लगाया था पर उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज तक मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, 12वीं मेरा कंप्लीट है, आधा भारत इंटरव्यू देते देते 10 साल बीत गया, ना तो नौकरी लगा ना कहीं कुछ हुआ आज तक, और ना तो लोन की व्यवस्था मेरे को दी जा रही ना नगर पालिका की तरफ से, ना तो विधायक द्वारा और ना तो कलेक्टर साहब द्वारा। तो मेरे को सर से मेरा निवेदन है और भैया लोगों से कि मेरे को साधन 3 चक्के की स्कूटी दिलवाई जाए, ताकि मैं अपना काम अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी अच्छे से जी सकूं। और आपका विकलांग पेंशन वगैरह आ रहा है? हाँ, पेंशन मिल रहा सर। अच्छा, ये चीज़ बताइए, ये जो आप स्कूटी का वो उसके लिए आवेदन दिए क्या? आवेदन जी कलेक्टर साहब के पास लगाया हूँ, एक बार, 1 साल हो गया, क्या कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितना समय बीत गया? 1.5 साल हो गए। फिर दोबारा आप नहीं गए वहाँ? फिर नहीं गया सर, मैं जाने के लिए कोई साधन भी नहीं, कोई घर से ले जाए बाइक में बैठा के, तब फिर बनता है जाते, बस में भी उतरने चढ़ने में तकलीफ होती है, मेरी घरवाली भी विकलांग है, बच्ची भी विकलांग है, अब कहीं आना जाना हुआ दवाई गोली के लिए भी अपन किसी को 100 रुपया में ऑटो बुक करके अपना राशन लेने जाते हैं, इतनी ज़्यादा समस्या है। 2 बच्चे हैं सर। दो बच्चे जी। क्या न्यूज़ के लिए शहडोल से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।